रिंकू सिंह का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, रिंकू सिंह का तूफान और रिंकू सिंह के आतंक के सामने नहीं टिका हैदराबाद। हैदराबाद को रिंकू सिंह ने अकेले अपने दम पे ध्वस्त कर दिया। 48 रनों का शानदार पारी खेला। और बता दे दोस्तों कि हैरी ब्रूक और हेनरी क्लासेन का, एडम मार्करम का, किसी का भी पारी हैदराबाद का काम नहीं आया और इस कारण से कोलकाता नाइट राइडर्स हैदराबाद को हवे में ही उड़ा दिया। रिंकू सिंह का आतिशी बल्लेबाजी की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को 5 रनों से जीत लिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रिंकू सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच शानदार मुकाबला खेला गया। बेहद ही रोमांचक मुकाबले में, रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। कोलकाता कप्तान नीतीश राणा ने टीम में 2 बदलाव किए। डेविड वीजा की जगह जेसन रॉय और एन जगदीशन की जगह वेब अरोरा का वापसी हुआ था। कोलकाता का अवसर बल्लेबाजी करने के लिए रमनुल्ला गुरबाज और जेसन रॉय क्रीज पर आए। कोलकाता को पहला झटका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर लगा। मार्कू जॉनसन ने रामनुल्ला गुरबाज को आउट कर दिया। गुरबाज सिर्फ 1 गेंदों का सामना कर पाए। वह खाता खोले बगैर हैरी ब्रूक को कैच थमा बैठे और उसके साथ ही कोलकाता को पहला झटका लग चुका था। कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरा झटका भी दूसरे ओवर में ही लगा। मार्कू जॉनसन ने आखिरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर को अपना शिकार बनाया। अय्यर 4 गेंद पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। विकेट कीपर हेनरी क्लासेन ने उसे रन आउट कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 ओवर में 3 विकेट पर 40 रन बना लिया है। कप्तान नीतीश राणा 6 गेंदों पर 5 और रिंकू सिंह 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर नाबाद है। कोलकाता को तीसरा झटका जेसन रॉय के रूप में लगा। वह 19 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। कार्तिक त्यागी गेंद पर मैक मार्कंडे ने उनका कैच लिया। 35 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने कोलकाता की पारी को संभाल लिया है। दोनों ने चौथे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी कर ली थी। कोलकाता ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 90 रन बना लिए। कप्तान नीतीश राणा 27 गेंदों में 40 और रिंकू सिंह 11 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद थे। रिंकू सिंह जो हमेशा से हीरो रहा है और वो हीरो भी इस मैच में है। आपको बता दे दोस्तों कि रिंकू सिंह के ही कंधों पर सारा दारोमदार था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 114 रन बना लिए। कप्तान नीतीश राणा पवेलियन लौट चुके। नीतीश 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर सनराइजर हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम उनका कैच लिया। मार्करम ने अपनी गेंद पर उनका कैच लिया। नीतीश ने 31 गेंदों में 42 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। फिलहाल रिंकू सिंह और अनरसल क्रीज पर थे। सनराइजर हैदराबाद को बड़ी सफलता मैक मार्कंडे ने दिलाई। उन्होंने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोट बल्लेबाज अनरसल को आउट कर दिया। रसल 15 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 1 चौका और 2 छक्के लगाए। कोलकाता ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 129 रन बना लिए। रिंकू सिंह सुनील नायर क्रीज पर है। रिंकू सिंह बेहतरीन बल्लेबाजी करे। कोलकाता को आखिरी ओवर में दोहरा झटका लगाया। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने सुनील नायर को आउट कर दिया। नायर ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर मयंक अग्रवाल को कैच थमा बैठे। उनके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर सरदूल ठाकुर को टीम नटराजन ने पवेलियन भेज दिया। सरदूल 6 गेंद पर 8 रन ही बना सके। उनका कैच अब्दुल समद ने लिया। कोलकाता ने 18 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बना लिए। रिंकू सिंह 30 गेंदों में 42 और अनुकूल राय 2 गेंदों पर 3 रन बनाकर नाबाद है। अनुकूल राय इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में क्रीज पर आए हैं। सनराइजर हैदराबाद ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स को 20 ओवर में 171 पर रोक दिया। उनके 9 बल्लेबाज आउट हुए। हैदराबाद को जीत के लिए 172 रन बनाने होंगे। कोलकाता के लिए रिंकू सिंह ने 46, कप्तान नीतीश राणा 42, अनरसल ने 24, जेसन रॉय 20 और अनुकूल राय ने नाबाद 13 रन की पारी खेली। इन 5 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी दहाई का आंकड़ा न छू सका। हैदराबाद के लिए मार्कू जॉनसन ने और टीम नटराजन ने 2-2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार, कार्तिक त्यागी, मयंक मार्कंडे और एडम मार्करम को 1-1 सफलता मिली। रिंकू सिंह इस मैच में भी हीरो रहा और शानदार बल्लेबाजी किया और रिंकू सिंह के शानदार बल्लेबाजी की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। 172 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आए सनराइजर हैदराबाद की पारी का आगाज करने के लिए मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा आए हैं। वहीं विपक्षी टीम के लिए पहला ओवर हर्षित राणा डाल रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए पहला ओवर तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने डाला। राणा 1 ओवर में 1 चौका की मदद से 9 रन बनाने में कामयाब रहे। टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 9 रन थे। सनराइजर हैदराबाद की टीम को पहला झटका सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के रूप में लगा। अग्रवाल पारी के आगाज करते हुए 11 गेंद में 2 चौके 1 छक्का की मदद से 18 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार बने हैं। मयंक के बाद अभिषेक शर्मा भी पवेलियन लौट गए। उनके सरदू ठाकुर ने 4वें ओवर की 5वीं गेंद पर आउट कर दिया। अभिषेक ने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए। अनरसल ने उनका शानदार कैच लिया। सनराइजर ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 37 रन बना लिए। कप्तान एडम मार्करम और राहुल
त्रिपाठी क्रीज पर है। आपको बता दें दोस्तों कि हैदराबाद का बल्लेबाजी बिल्कुल नरकाते हुए नजर आ रही है। सनराइजर हैदराबाद को तीसरा झटका अंद्र रसल ने दिया। उन्होंने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच कराया। त्रिपाठी ने 9 गेंदों पर 20 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। सनराइजर्स को चौथा झटका हैरी ब्रुक के रूप में लगा। एक शतक लगाने वाले ब्रुक इस मैच में खाता खोले बिना खाता भी नहीं खोल पाए और वह 4 गेंदों का सामना करने के बाद LBW आउट हो गए। सनराइजर्स ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 64 रन बना लिए। एडम मार्करम और हैंडी क्लासिंग 6-6 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर हैं। 4 विकेट गिर जाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की पारी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही। कप्तान एडम मार्करम ने हैंडी क्लासिंग के साथ 5वें विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी कर लिया। हैदराबाद ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 114 रन बना लिया। उसे जीत के लिए 7 ओवर में 58 रन बनाने हैं। क्लासिंग 34 और मार्करम 25 रन बनाकर क्रीज पर हैं और कोलकाता को हैदराबाद को बनाए रखा है इस मैच में। सनराइजर्स हैदराबाद ने 14-3 ओवर में 5 विकेट पर 129 रन बना लिए। हैंडी क्लासिक 20 गेंदों में 36 रन बनाकर सल्लू ठाकुर के गेंद पर प्रवीण लौट गए। नए बल्लेबाज के तौर पर अब्दुल समद क्रीज पर आए हैं। हैदराबाद को जीत के लिए जीत ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही और इस टीम को अब 24 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। क्रीज पर कप्तान मार्करम के साथ अब्दुल समद मौजूद है। मार्करम 40 रन बनाकर नाबाद। हैदराबाद टीम का 6ठा विकेट कप्तान एडम मार्करम के तौर पर गिरा, जिन्हें वैभव अरोड़ा ने 41 के स्कोर पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब क्रीज पर अब्दुल समद के साथ मार्को यानसन क्रीज पर है। टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 26 रन चाहिए, जो कि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। हैदराबाद में बारिश हो रही है, लेकिन फिलहाल खेल को जारी रखा गया है। इस टीम को जीत के लिए अभी 12 गेंदों पे 21 रनों की जरूरत है। अभी खेल के में किसी भी टीम का पक्ष में जा सकता है। फिलहाल दोनों टीमों की तरफ से प्रयास जारी है। हैदराबाद का 7वां विकेट यानसन के रूप में गिरा। वो सिर्फ 1 रन बनाकर वैभव अरोड़ा की गेंद पर आउट हो गए। इस टीम को जीत के लिए 11 गेंदों में 20 रन चाहिए। हैदराबाद की टीम को जीत के लिए अब लास्ट 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। समद 20 रन पर नाबाद, जबकि भूबी 5 रन बनाकर खेल रहे थे। हैदराबाद ने 19 ओवर के बाद 5 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये मैच कहीं ना कहीं अब्दुल समद के कंधों पर था। हैदराबाद ने 8वां विकेट समद के रूप में गवा दिया, जिन्होंने 21 रनों की पारी खेली। अब इस टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 7 रन बनाने क्रीज पर भूबी के साथ मैक मार्कंडे क्रीज पर है। आखिरकार आज के हुए इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया। इसी के साथ हैदराबाद को हार मिली। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।